फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विकास शर्मा एजुकेशन। Hello. और मेरा तो मैथ शुरू से ही बहुत बेकार रहा है। मैं आपको बता दूं, मुझे बायो में इंटरेस्ट था, मैंने बायो से ही एमएससी करी। आपके लिए लेके आए मैथ के 5 ऐसे फैक्ट। मेरा आपसे दावा है कि लास्ट तक आप वीडियो के बने रहेंगे तो आपको मैथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, जैसे कि मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा मैथ में थोड़ा थोड़ा, जो कि पहले नहीं था। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो मैं पहले तो ये क्लेम कर देता हूँ, जो आपने दावा किया है वो दावा बिल्कुल खरा उतरने वाला है। आप 5 फैक्ट देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग भी होगी और मज़े भी आने वाले हैं। हाँ, जैसे फैक्ट में सबसे नंबर 1 हम बात करेंगे, आपने देखा होगा हम जनरली किसी की एज पूछते हैं, हमें खुद हिचक महसूस होती है, सामने वाले को खुद अजीब लगता है कि हमारी एज क्यों पूछ रहा है। तो अगर आप किसी की एज पूछना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एज पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी एज कैसे पूछ सकते हैं, जैसे ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब हम किसी अपोजिट सेक्स वाले से मिलते हैं तो ये क्वेश्चन यानी मन में तो आता है, पता लगाएं कितने साल का लग रहा है, हम एस्टिमेट तो करते हैं माइंड में पर पूछ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल से, जैसे मैं कहता हूँ कि आओ एक ट्रिक करते हैं, कोई बातचीत शुरू करते हैं, मौसम का है ना कोई भी, तो हम कह सकते हैं आओ मैं आपको एक मैथ की ट्रिक सिखा रहा हूँ या ट्रिक हम शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। बात करते हैं कि आपके साथ एक मैथ की ट्रिक शेयर करूँ, तो सर ट्रिक वो देखना सभी चाहते हैं, वो कहते हैं शेयर करो। तो आप अपना कैलकुलेटर या फ़ोन निकाल सकते हैं, आप 259 की 39 से मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर फ़ोन में स्मार्टफोन सबके पास होते हैं, यूज़ कीजिए और उसमें अपनी एज की भी मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। तो आप सरप्राइज जाएंगे, आपको ऐसे कुछ देखने को मिलने वाला। जब हम 259 की 39 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब अपनी एज से कोई भी मल्टीप्लाई करें कि कोई भी पर्सन, तो जो आंसर आने वाला है तो वो 6 डिजिट में आंसर आएगा। हमें अपनी एज से मल्टीप्लाई करना है या अपने सन से मल्टीप्लाई करना है, ये माइंड में क्वेश्चन है। आपको अपनी एज से मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, एज से मल्टीप्लाई, जितने आपके एज के हो, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो जो आंसर आएगा ना, सपोज जैसे मेरी एज 32 है, अगर मैं 259 और 39 और 32 को मल्टीप्लाई करूंगा तो पता है क्या आंसर आएगा, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, 32 32 32। तो सरप्राइजिंग लगता है, अच्छा लगता है देखने वालों को इस तरह के पैटर्न्स मैथ, क्योंकि कहते हैं ना मैथ तो पैटर्न है, मैथ इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। तो आपको एज ही पता चल गई, ट्रिक भी हो गई, हो सकता है आगे आपके फ्रेंड्स की गाड़ी भी चल पड़े। ये था फैक्ट नंबर 1। अब हम बात करेंगे फैक्ट नंबर 2 की। कहूँ कि आपका फेवरेट नंबर क्या है, आपने मन में सोच लिया। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने मन में सोचा है नंबर 7। आई एम करेक्ट बिल्कुल 7 ही सोचा। आपको कैसे पता? तो आप देख रहे होंगे कि जब मैंने पूछा तो मैंने हाथ से इशारा इस तरह किया। तो ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है कि हमारा माइंड कुछ नया सोचने में रजिस्ट करता है, तो मैंने जो इन्हें डायरेक्शन दी माइंड को, तो इन्होंने वो एक पिक कर लिया। अगर मैं इनसे कोई कलर पूछता इस समय कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो बहुत ज़्यादा चांस थे कि ये रेड या पिंक आंसर देती, क्योंकि इनके पीछे का बैकग्राउंड वो रेड या पिंक है। तो एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने बहुत लोगों पर 3000 लोगों पर रिसर्च की, उसमें पाया गया कि मैक्सिमम लोगों का फेवरेट नंबर 7 ही आता है उस रिसर्च, क्योंकि इसके पीछे और भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे कुछ हम अगर बातचीत करें, आप देखेंगे कि संगीत में 7 सुर होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 फेरे, जब हम 7 के एक दूसरे के साथ की कस्में खाते हैं, वो भी 7 जन्म की खाते हैं कि हम 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि हमारी बॉडी में चक्र भी 7 ही हैं। देखेंगे कि और आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर कंटिनेंट भी 7, आप इसके में देख सकते हैं तो दुनिया में 7 कंटिनेंट भी 7 ही हैं। और देखेंगे कि इंडिया का जो एरिया में लार्जेस्ट है, 7th ही पोजीशन आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का जो नंबर है वो 7वां होता है। होते हैं बिल्कुल, सप्तऋषि भी तो हमारे 7 ही हैं। और जब हम फेरे लेते हैं शादी के टाइम पे, वचन भी 7 ही लेते हैं, 7 वचन 7 फेरे। और आप इमेजिन पाओगे जो बहुत फेवरेट प्लेयर हमारे इंडिया के हैं, MS धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी जर्सी का नंबर भी 7 ही है। और इमेजिंग एक और फैक्ट बताता हूं, उनका बर्थडे भी 7 जुलाई ही है। इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्ट बता देता हूं कि 1 से 9 तक की जो अंक हैं उसमें 7 ही एक ऐसा नंबर है जो बिगेस्ट प्राइम है, मतलब जो 1 से विभाजित नहीं होता है। जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बात जानते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में साथ शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3। पिज्जा तो खाया ही होगा। बिल्कुल, तो पिज्जा खा के शायद तो आपने मुंह में पानी भी ला दिया हो। तो आप देखेंगे अगर पिज्जे की स्पेलिंग जो है PIZZA, तो इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है, आपसे ध्यान देंगे अगर इसकी जेड रेडियस का एक हम इस सरफेस का जेडियस, इसकी मानो जो पिज्जा हमारे हाथ में दिखाई दे रहा है जेडियस रेड है, ए इसकी हाइट है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? पाई स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, पाई जेड जेड एच ए लिखा है, तो ये इसका वॉल्यूम, उसका फार्मूला ये वॉल्यूम है पिज्जा, है ना। इंटरेस्टिंग okay, तो अब ये फैक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग था। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4। काउंटिंग करते हैं, जिसमें आपसे पूछूं आप कितनी काउंटिंग, कहां तक बोल काउंटिंग बोल सकती हो?
मोस्टली हम लोग 100 तक ही बोलते हैं। 100 तो कम हो गया, थोड़ा सा लिमिट बढ़ाइए ना अपने। आपको टाइम दिया है कितनी? ओके 1000। चलो 1000 भी बोल सकते हैं आप। आपसे पूछो आप कितनी गिनती, इन्होंने कहा 1000 तक बोल सकती हैं आप। हजार, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, कहाँ तो कोई, फिर हम बोल देते हैं कहीं तक भी बोल सकते हैं। असंख्य गिनती होती है, कहते हैं ना कहीं भी गिनती बोल सकता है। पर उसमें एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था, फैक्ट में ये पाया गया कि अगर कोई कहे ना आपसे कि आप 1 बिलियन गिनती बोलो तो भी शायद आप बोल नहीं पाओगे। ऐसा पता क्यों कह रहा हूं मैं? 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, और 100 करोड़ इसमें इतने सेकंड होते हैं, अगर आप 1 सेकंड में एक काउंटिंग में बोलोगी ना तो आपको 32 साल लग जाएंगे इस काउंटिंग को बोलने में। That means हम 1 बिलियन को बोल नहीं सकते गिनती, मतलब बोल सकते हो पर आपको लगातार बोलोगे, हर सेकंड एक काउंटिंग बोल रहे हो, अगर माने हम ऐसा अजम्पशन ले लें तो पूरा करने में 32 साल लग जाएंगे आपको। मींस मतलब जैसे मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर कर लूं पहले। मींस ये कि आप काउंटिंग शुरू करो, मैंने कहा तो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, क्या आप 32 साल लगातार गिनती बोल सकती हो? बिल्कुल कभी तो नहीं। इसमें 1 बिलियन काउंटिंग बोलने में इतना टाइम लगने वाला है, अगर हम उसको सेकंड में चेंज कन्वर्ट करके बात करें तो। बिल्कुल, तो ये फैक्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे तो समझ में अब आया है। आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट डाउन करना। यह फैक्ट नंबर 4 आपको कैसा लगा? अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। फैक्ट नंबर 5 ये है कि जो टर्म होती है मिलेनियर, बिलेनियर, तो टर्म कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, है ना। तो 1916 में पहला बिलेनियर दुनिया के सामने आता है, रॉकफेलर। उन्होंने उनके पास पता कितने रुपए थे? अगर बिलेनियर बोल रहे हैं तो एक बिलेनियर पे कितने पैसे हो सकते हैं? अगर पहले बिलेनियर थे इस दुनिया के, उसके पास से ये टर्म कॉइन हुआ दुनिया में कि बिलेनियर भी कोई चीज़ होते हैं। मतलब उनके पास आप इमेजिन कीजिए 7000 करोड़, 7000 करोड़ रुपए उनके पास एसेट थी, संपत्ति थी, इसलिए वो दुनिया के पहले बिलियनियर थे, रॉकफेलर। 5 facts। अच्छा एक बोनस फैक्ट बताता हूँ जो हमारी वीडियो को यहाँ तक जिन्होंने देखा उनके लिए। आप जब मैं आइसलैंड बोलता हूँ तो आपके माइंड में आएगा कि वहाँ बहुत सुंदर आइस होंगे, सीनरी। जब मैं बोलूँगा आइसलैंड तो आप देखोगे कि बर्फ की घाटियाँ हैं, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। और जब मैं ग्रीनलैंड बोलूँगा तो आपको ग्रीन ग्रीन ग्रास दिखाई देगी, है ना, दूर दूर तक ग्राम ग्रीन। पर माइंड में ऐसा आया, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। आप रियल में अगर ग्रीनलैंड के फोटो देखोगे तो आइसलैंड वाला आएगा, और आइसलैंड फोटो देखोगे ग्रीनलैंड वाला आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके साथ हम वीडियो खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे फैक्ट के साथ आएंगे। बिल्कुल, तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें से कौन सा लगा कमेंट डाउन करके जरूर बताना, या आपको इसमें से कौन सा फैक्ट पहले से पता था वो भी कमेंट डाउन करके बताना। और बहुत जल्द मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में, बिल्कुल, किसी और नए फैक्ट के साथ। बिल्कुल, और जाने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ऑन, ताकि हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बने रहिए इस चैनल का हिस्सा, एक कम्युनिटी का हिस्सा, और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।